नमस्कार। कश्मीर को जम्मू से जोड़ने वाला 300 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग वर्तमान में विश्व की सबसे कठिन व ऊंची पहाड़ियों से गुजरता है। सर्दियों में बर्फबारी से अक्सर यातायात रुक जाता है। राजमार्ग के 4 लेन होने के बाद ये दूरी 63 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा समय 9 घंटे से घटकर 5 घंटे रह जाएगा। इस कार्य को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें से 4 भाग का कार्य 29,200 करोड़ रुपए की लागत से सन 2012 में प्रारंभ हुआ था और 2 हिस्सों का कार्य 4,306 करोड़ रुपए की लागत से प्रारंभ होने जा रहा है। पहले शुरू हुए कार्यों में 65 किलोमीटर लंबे जम्मू उधमपुर भाग को अधिकांशतः जून 2014 में पूरा कर लिया गया था, जिसमें 4 टनल व 65 पुल बनाए गए हैं। भारत की सबसे लंबी 9 किलोमीटर हाईवे टनल चनैनी व नाशरी के बीच बन रही है, जिसके जून सन 2016 तक पूरा होने का लक्ष्य है। काजीकुंड व बनिहाल के बीच 8.5 किलोमीटर की टनल बन रही है। बनिहाल एवं श्रीनगर के बीच 4 लेन का कार्य प्रगति पर है। इन पर हम आधे से अधिक कार्य पूरा कर चुके हैं। अभी शुरू होने जा रहे उधमपुर से रामबन व रामबन से बनिहाल भाग सबसे दुर्गम व ऊंची पहाड़ियों से गुजरते हैं और इस भाग में 4 लेन निर्माण बहुत ही चुनौती भरा व कठिन है, क्योंकि हमें काम के साथ साथ यातायात को भी सुरक्षित चलने देना है। उधमपुर से चनैनी और नाशरी से रामबन भाग की लंबाई 4 लेन के बाद 43 किलोमीटर से घटकर 40 किलोमीटर रह जाएगी। इस कार्य की लागत 2,137 करोड़ रुपए है और कार्य को 36 महीनों में पूरा किया जाएगा। इसमें चंद्रकोट के पास 900 मीटर की टनल, 59 पुल और चंद्रकोट एवं रामबन के लिए 2 बाईपास बनाए जाएंगे। रामबन बनिहाल भाग 4 लेन के बाद 36 किलोमीटर से 32 किलोमीटर रह जाएगा। कार्य की लागत 2,169 करोड़ रुपए है और कार्य को 42 महीनों में पूरा किया जाएगा। इसमें 3 किलोमीटर लंबाई की 6 टनलें, 27 पुल और सीरी एवं मकरकोट के लिए 2 बाईपास बनाए जाएंगे। 4 लेन के दौरान नए 2 लेन रोड ऊपर पहाड़ी की ओर पहले बनाए जाएंगे। आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ धन्यवाद।